आज हम मार्गंथ्यो के राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत की विवेचना करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका विवेचन है, पर हम जो कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में है। यथार्थ अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सबसे महत्वपूर्ण उपागम यथार्थवाद जो है, राष्ट्रों के बीच संबंध कैसे रहे हैं, किस तरह के हैं, इस बात पर जोर देता है। आदर्श विश्व कैसे होना चाहिए, ये चिंता का विषय नहीं है, या मानव व्यवहार की अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या है। राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम के रूप में शताब्दियों से विकसित होता रहा है। प्रारंभिक जो प्रवर्तक रहे हैं, उदारवादी विद्वान कौटिल्य, चीनी रणनीतिकार संजू आदि इसमें प्रमुख हैं। इटली के मैकियावेली, हाब्स ने भी यथार्थवाद के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु मार्गेंथियो को एक प्रतिष्ठित विद्वान यथार्थवादी माना जाता है। मार्गेंथियो के सिद्धांत को नवशास्त्रीय यथार्थवाद कहा जाता है। मार्गेंथियो का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। हिटलर की नाथसी हुकूमत, मनमाने शासन और क्रूरता को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और शरणार्थी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका भाग गए, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का यथार्थवाद स्कूल की वहां स्थापना की। उन्होंने राजनीति को सत्ता का संघर्ष बताया। सत्ता के संघर्ष के संदर्भ में मार्गेंथियो ने एक व्याख्या की है और तर्क दिया है कि किसी भी राष्ट्र के पास अपनी ओर ईश्वर नहीं होता, अर्थात कोई भी सर्वव्यापी नैतिकता नहीं होती। राज्य की कार्यप्रणाली बुद्धिमानी और व्यवहारिकता पर आधारित होती है। मार्गेंथियो की जो पहचान है जिन विचारों से होती है, उन्हें वह राजनीतिक यथार्थवाद कहते हैं। उनका मानना था कि विश्व की कमियां, विश्व में जो खामियां हैं, कमियां हैं, मानव स्वभाव से जुड़ी हुई मान्यताओं का परिणाम है। इस विचार के अनुसार विश्व में सुधार लाने के लिए, विश्व में सुधार करने के लिए इन मान्यताओं के साथ मिलकर काम करना होगा, न कि इनके विरुद्ध। ऐसे विश्व में जहां निरंतर संघर्ष है, वहां नैतिक सिद्धांतों को पूरी तरह से अमल नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से इन नैतिक सिद्धांतों का पालन जो है वो नहीं किया जा सकता। संपूर्ण रूप से सर्वोत्तम अवस्था तो प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन नियंत्रण और संतुलन के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा सकती है, और जिसका आधार होता है ऐतिहासिक अनुभव। ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर नियंत्रण और संतुलन की अवस्था जो है निर्धारित की जा सकती है, बनाई जा सकती है। ई एच कार की तरह ही मार्गेंथियो ने अपनी छवि जो है एक उदार आदर्शवादी सिद्धांतों के विरुद्ध परिभाषित की है। मार्गेंथियो ने राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत बताए। इन सिद्धांतों को एक साथ करके रखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए उसके सैद्धांतिक पक्ष का सार निकाल के जो स्वरूप सामने आया है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन के पहले अध्याय में मार्गेंथियो कहते हैं कि उनका सिद्धांत यथार्थवादी कहलाता है, क्योंकि यह मानव के वास्तविक स्वभाव और ऐतिहासिक प्रमाण अप्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। जो वास्तविक है उसका परीक्षण करता है। यह विश्व शांति के आदर्शवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आदर्शवादी विचारधारा से जो है पूरी तरह से
पृथक है। मार्गेंथ्यू ने लिखा है, यथार्थवाद बताता है कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांत राष्ट्र और राज्यों के निर्णयों पर उनके काल्पनिक प्रतिपादन के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, उसे मान्य नहीं किया जा सकता, बल्कि समय और स्थान परिवर्तित जो परिस्थितियां होती, जैसे छलनी से छानने के बाद एक जो सार आता है, एक जो तत्व आता है, उस रूप में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कम से कम अपने बारे में यह कह तो सकता है कि भले ही दुनिया नष्ट हो जाए, लेकिन न्याय जो है वो होना चाहिए, न्याय स्थापित होना चाहिए, न्याय जो है मिलना चाहिए। पर संक्षेप में ये कह सकते हैं हम कि मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद के जो सिद्धांत है वो 6 रूप में प्रस्तुत है। मार्गेंथ्यू ने अपने जिन विचारों को प्रस्तुत किया है उसके 6 रूप है। पहला, राजनीति वस्तुगत नियमों से संचालित होती है, इसकी जड़ें मानव स्वभाव पर समाहित है, मानव स्वभाव के द्वारा ही इसे संचालित किया जा सकता है। यह नियम समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, ये नियम समय के अनुसार बदलते नहीं है, ये मानव पसंद से, मानव की जो स्वाभाविक इच्छाएं होती है, मानव की जो रुचि होती है, उनके अनुसार ये प्रभावित नहीं होते, ये अप्रभावित रहते हैं। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का तर्क संगत जो सिद्धांत होता है इन्हीं नियमों पर आधारित होता है। इनका अनुसरण करने से सच्चाई और एक मत के बीच में अंतर करना संभव होता है। यह अंतर जो है सच्चाई और दूसरी ओर इसके मत के बीच में अंतर किया जा सकता है। यह नियम हमें भले ही तर्कसंगत राजनीतिक व्यवहार करने का भरोसा प्रदान करते हैं। ये मार्गेंथ्यू का 6 में से पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का जो मुख्य आधार है, शक्ति के संदर्भ में हित की अवधारणा को समझना आवश्यक है। हित की जो क्या अवधारणा है उसे समझना आवश्यक है। शक्ति के संदर्भ में ही हित की धारणा राजनीतिज्ञों के असली व्यवहार को उजागर करती है कि राजनीतिज्ञों का व्यवहार जो है वो किस प्रकार का है। राज्य की विदेश नीति के निर्धारण में भी जो दो गलत फहमियां हैं उससे हमारा बचाव करती है। ये गलत फहमियां क्या हैं? पहला, राजनेताओं के उद्देश्य और वैचारिक प्राथमिकताएं। दूसरा, विदेश नीति के निर्धारण में नैतिक या नीतिगत संबंधी जो चीजें होती हैं उसमें पक्षपात है, व्यक्तिगत पसंद है, इनका कोई स्थान नहीं होता। राष्ट्रहित जो है राजनेताओं का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, जो हमेशा राज्य के सामरिक आर्थिक क्षमता के अनुसार परिभाषित किया जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रहित जो है सर्वोपरि होता है, व्यक्तिगत पसंद का कोई स्थान नहीं होता। ये दो बातें मार्गेंथ्यू ने अपने दूसरे सिद्धांत में प्रतिपादित की। तीसरे सिद्धांत में उसका मुख्य सार क्या है ये हम देखते हैं। राज्य की शक्ति के रूप में समय है, प्रकृति है, स्थान है, इनके अनुसार वो परिवर्तित होते रहेंगे, लेकिन हित की जो अवधारणा होती है वो उसी रूप में बनी हुई होती है। हित की अवधारणा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। शक्ति की जिस धारणा का चयन राज्य करता है उसमें समय के साथ शक्ति किस रूप में है, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए, ये सब समय के साथ जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें किसी प्रकार का स्थायित्व जो है वो देखने को प्राप्त नहीं होता। राष्ट्रहित इसमें भी सर्वोपरि बताया है मार्गेंथ्यू ने। चौथा सिद्धांत, सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांत राज्य के व्यवहार को निर्देशित नहीं करते, हालांकि राज्य के व्यवहार में निश्चित तौर से नैतिक और नीतिगत जो आशय होते हैं
उनका स्थान होता है। राजनीतिक व्यवहार का मूल्यांकन राजनीतिक परिणामों के आधार पर किया जाता है। नैतिक क्रियाएं राजनीतिक क्रियाओं के जो व्यवहारिक आवश्यकता के बीच में एक खिंचाव सा बना हुआ होता है, एक दूरियां जो है वो बनी हुई होती है। राजनीतिक विकल्पों से जो उपजे हुए परिणाम होते हैं उसके न्यायसंगत मूल्यांकन पर आधारित बुद्धिसंगत यथार्थवादियों के लिए नियम निर्देशित किए गए। पांचवा सिद्धांत, नैतिक सिद्धांतों का कोई सर्वव्यापी सहमत समूह नहीं होता। हालांकि समय समय पर राष्ट्र राज्य अपने व्यवहार की नीतिगत जो भाषा होती है उसका आवरण पहनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये जो है ये विदेशी व्यवहार को उचित ठहराने के लिए नैतिक भाषा का उपयोग सुविधा औचित्य राष्ट्रहित को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है कि राष्ट्रहित को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके। राजनीतिक जो इरादे होते हैं उन इरादों का कोई गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। राजनीतिक सोच जो होती है, राजनीतिक जो प्रक्रियाएं होती है, उनके लिए हमारे पास कोई गलत सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक इरादे सत्ता के संदर्भ में परिभाषित हितों के लिए बाध्य होते हैं, वो उन हितों से बंधे हुए होते हैं। राष्ट्र और राज्य जब इन सर्वव्यापी सिद्धांतों की घोषणा करते हैं तो वो केवल अपने विशेष राष्ट्रीय सांस्कृतिक संहिता को विश्व पर लादने का प्रयास करते हैं, विश्व को बताने का प्रयास करते हैं कि अपने राष्ट्रहित को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का प्रयास करते हैं। तो इन विचारों के संदर्भ में मार्गेंथू क्या कहते हैं, हित जो होता है एक स्थायी तत्व है, स्थायी मानक है, जिसके आधार पर निश्चित रूप से राजनीतिक कार्यों का अंकन और निर्देशन किया जाना चाहिए। हित जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, राजनीतिक मानकों का निर्धारण उन्हीं के अनुसार किया जाना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन जो है नहीं करना चाहिए। ये मार्गेंथू के विचार है। छठवां जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की मुख्य बातें या सार तत्व क्या है कि बौद्धिक रूप से तो देखें तो राजनीतिक परिधि जो होती है, राजनीतिक जो सीमा होती है, वो मानव से जुड़े हुए प्रत्येक अन्य जो दायरे होते हैं, अन्य जो सीमाएं होती हैं उनसे स्वतंत्र होती है। राजनीतिक परिधि जो होती है, राजनीतिक जो घेरा होता है, वो मानव स्वभाव से जुड़े हुए अन्य जो दायरे होते हैं, अन्य जो सीमाएं होती हैं उनसे पूरी तरह से पृथक होती है, उनसे पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, चाहे वो कानूनी हो, नैतिक हो या आर्थिक हो। कानूनी नैतिक आर्थिक जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं से जो बौद्धिक रूप से जो राजनीतिक परिधि होती है वो पृथक होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है उसमें बौद्धिक परीक्षण अन्य क्षेत्रों से विश्लेषणात्मक रूप से अलग देखने को प्राप्त होता है। हितों के संदर्भ में इसे परिभाषित किया जा सकता है, हित श्रेष्ठ है, हितों के संबंध में इसे परिभाषित किया जा सकता है। यह नीति राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है, राष्ट्र के शक्ति को यह किस रूप में प्रभावित करती है, यह नीति राष्ट्रीय शक्ति को कैसे अपने ओर आकर्षित करती है, ऐसे सवाल जो है बौद्धिक विश्लेषण की स्वायत्त परिधि का केंद्र बिंदु होता है। जो उनकी स्वयं की सोच होती है उसका वह केंद्र बिंदु होता है। इसके संदर्भ में स्टॉक बर्चिल ने एक लिखा है, मार्गेंथ्यू ने यथार्थवाद के सिद्धांत उदार आदर्शवाद की काट के रूप में तैयार किया। मार्गेंथ्यू जो है यथार्थवादी विचारक है, उदार आदर्शवादी विचारधारा से पृथक करने
उसने इस सिद्धांत को स्थापित किया है। जब यूरोप में दूसरे यूरोप जो है दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगा था, तब उदार आदर्शवाद के काट के लिए मार्गेंथ्यू ने यथार्थवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मार्गेंथ्यू के लिए राष्ट्रहित जो है स्थायी कारक, राष्ट्रहित जो होता है वो एक स्थायी कारक है, और ये नीति निर्माताओं के व्यवहार के लिए एक तर्कसंगत मार्गदर्शन प्रदान करता है जो कि राज्यों की शक्ति के संतुलन पर आधारित है। तो इस प्रकार से मार्गेंथ्यू ने 6 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इन 6 सिद्धांतों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में यथार्थवादी सिद्धांत की विवेचना की जा सकती है। थैंक यू।